नेचर ऑफ स्किजोफ्रेनिया। नेचर का मतलब क्या है कि प्रकृति, प्रकृति मींस कि जो पर्टिकुलर चीज है जिसका नेचर पढ़ना चाहते हैं वो किस प्रकार से बिहेव करता है। तो यहां पर नेचर का मतलब है कि जो स्किजोफ्रेनिया है उसकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो ह्यूमन बींग पर किस प्रकार से होती है और कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है, इंपैक्ट डालती है। द फंक्शनल साइकोसिस इन विच इंडिविजुअल लूजेस कनेक्टिविटी विद रियलिटी। सो दिस इज द ब्रीफ एंड द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन्स द होल कंसेप्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। डिस्क्रिप्टिव टर्म का मतलब यहां पर यह होता है द टर्म और समथिंग विच डिस्क्राइब्स, किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है, ये कर रही है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिसके अंदर जो डिस्टोर्शन होता है दैट इज रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ, जो यथार्थ के साथ उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब स्किजोफ्रेनिया ये कोई एक डिसऑर्डर नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इसको उसका डिस्क्रिप्टिव टर्म बोला गया है। या मनोविज्ञान ये मानता है कि हर व्यक्ति यूनिक है तो उसको होने वाली समस्याएं भी यूनिक है। अगर उसकी समस्याएं यूनिक है तो वो उसके जो सिम्टम्स दिखाएगा, क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो माइंड का जो स्ट्रक्चर है, हर व्यक्ति का अलग, ब्रेन सिमिलर हो सकता है कि कुछ पोर्शन कैसे कैसे हमारे सब के अंदर है, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है ना उसमें देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, यूनिकनेस हमारे अंदर है। तो जब वो यूनिक है तो हम किसी भी विकार के सिम्टम्स है वो अलग अलग दिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जब वो लक्षण हम अलग दिखाते हैं तो क्या होता है, उनमें कुछ सिमिलरिटी हम ढूंढते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति को होने वाले लक्षण को देख कर उसकी जो समस्या है उसका अलग से नाम दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। तो फिर क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के लक्षणों को देखा जाता है, कुछ सैंपल का लिया जाता है, उन सैंपल में सबको देखा जाता है कि इस व्यक्ति इस चीज के क्या सिम्टम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। फिर उनके अंदर जो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं उनको एक जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिम्टम्स दैट इंडिविजुअल इज डायग्नोस्ड एज सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज, और उसी के बेस पर उस विकार का, उस डिसऑर्डर का नाम रखा जाता है। मनोविदलता के साथ भी यही कहानी है। क्या होता है, इसका डिफाइनिंग पॉइंट है कि यथार्थ से विकृति, यथार्थ से कनेक्शन कट जाता है। इसमें डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस आम बात होती है। किस प्रकार के हेलुसिनेशंस होते हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हेलुसिनेशंस होंगे ये बात तय है। अब इसमें मुख्य रूप से चार चीजें होती है जिसमें विकृति पैदा होती है। थिंकिंग, जो चिंतन प्रक्रिया है इसमें विकृति हो जाती है। परसेप्शन, प्रत्यक्षण, इसमें लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच और भाषा जो होती है उसमें, एंड सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर। मतलब ये है कि स्वयं कि आपके जो व्यक्ति की भावना होती है उसके बारे में और व्यवहार के बारे में व्यक्ति की जो आउटपुट है उसमें उसको डिस्टोर्शन होता है, विकृति होती है। डिफाइनिंग फीचर है इसका हेलुसिनेशंस एंड डिलूजन्स। जिस व्यक्ति में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अनुसार हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स का एक्सप्रेशन होता है, वो उसको अनुभव करता है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इंडिविजुअल इज लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस स्किज़ोफ्रेनिया। डिफाइनिंग फीचर का मतलब ये होता है कि हर वस्तु का, हर इवेंट का, घटना, स्टिमुलस, एक मुख्य फीचर होता है, एक ऐसी विशेषता होती है जिसके आधार पर हम उसको अंदाजा लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि दैट इंडिविजुअल मे बी सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज और सम डिसऑर्डर। सिम्टम्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या क्या सिम्टम्स इसके होते हैं तो दो चीज आपको जरूर लिखनी है, डिस्टोर्शन रियलिटी An experience of hallucinations and delusions। ये चीज जरूर जरूर आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये defining feature है। अब traces,
ट्रेसेस क्या है? आपने कोई कहानी पढ़ी होगी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पद चिन्ह, है? तो यहां भी ट्रेसेस का मतलब है कि पद चिन्ह किसके? स्किजोफ्रेनिया, मतलब स्किजोफ्रेनिया जिन व्यक्ति को होता है उसके अंदर किस प्रकार के चिन्ह, पद चिन्ह कह सकते हैं, वो अपने छोड़ जाता है उसके अंदर। आप ये जानते हैं कि स्किजोफ्रेनिया क्या होता है? रिसर्च ये बताती है जिन व्यक्तियों को मनोविकलता की समस्या होती, उनका अगर इतिहास देखा जाए, विकास का इतिहास, डेवलपमेंटल हिस्ट्री उसकी देखी जाती है, तो ये पाया गया है कि उनके बचपन में जो उनका विकास हुआ था उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि स्किजोफ्रेनिया बचपन में अपने कोई चिन्ह नहीं दिखाता है, अपने कोई पहचान नहीं छोड़ता है। दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि बचपन में स्किजोफ्रेनिया के कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण बहुत रेयरली दिखाई देते हैं, जो उसके ग्रोइंग पीरियड में हम देखकर ये अंदाजा उसको नहीं लगा सकते, चाहे उसका ब्रेन स्कैन कर ले, कुछ भी कर ले, कि भविष्य में इस व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। उसकी विकास की जो यात्रा है उसको देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते, हमने प्रेडिक्ट कर सकते। फिर भी चार प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर स्किजोफ्रेनिया का हाई रिस्क होता है, मींस दे आर मोर प्रोन टू सफरिंग फ्रॉम द स्किजोफ्रेनिया ड्यूरिंग एडल्टहुड। सबसे पहले बच्चे वो होते हैं जिनकी माताएं जो है स्किजोफ्रेनिक होती है। सेकेंड, जन्म के दौरान कोई परेशानी बच्चे को हुई हो, या जब बच्चा माता की गर्भ में हो उस समय कोई ना कोई उसको मां को परेशानी रही हो, सम वायरस अटैक हो गया हो, दिस एंड दैट वे, अगर ऐसा होता है तो ऐसे बच्चों में स्किजोफ्रेनिया होने की संभावना थोड़ी सी औरों के मुकाबले ज्यादा होती है। थर्ड पार्ट, जो बच्चे अनसोशलाइज्ड बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि जो बचपन में बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं या जिनके अंदर ज्यादा ही आक्रामकता पाई जाती है, दैट चिल्ड्रन आर आल्सो लाइकली टू सफर फ्रॉम द स्किजोफ्रेनिया। एंड द फोर्थ वन, वो बच्चे जो एक ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में पले बड़े हैं जिसमें बहुत कुछ असामान्य रूप से होता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा कौन सा समाज होगा, ऐसी कौन सी संस्कृति होगी जिसका माहौल जो है सही नहीं होगा, या फिर वो अग्रेसिव होगा जो बच्चे के सामान्य रूप से विकसित होने में या जो नॉर्मल समाज के कायदे का होते हैं उनके वो खिलाफ होगा या उनसे हटके होगा, वो भी नेगेटिव साइड में। कुछ कल्चर्स में, कुछ संस्कृति में, यू कह लीजिए कुछ धर्म में बचपन से ही मारना काटना सिखाया जाता है, उनके सामने बच्चों को बैठा करके जानवरों को काटा जाता है, तड़पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि उस टेंडर माइंड पर, उस घटना का उस पर क्या बीतेगी। एक बार परेशान होएगा, दो बार परेशान होएगा, तीन बार होएगा, चौथी पांचवी बार उसको लगने लगेगा कि ये सामान्य बात है, क्योंकि फिर उसको वैसा ही करना है। तो ऐसे एनवायरमेंट में भी देर आर मोर चांसेस दैट इंडिविजुअल मे सफर फ्रॉम दिस की जो परेशानी, ये रिसर्च बताती है। अब इस बात को जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि किस व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, हम क्या करेंगे, जो हाई रिस्क बच्चे होते हैं उनको आप स्टडी कीजिए, उन बच्चों को हम स्टडी करेंगे जिनकी मदर स्किजोफ्रेनिक हो, या जन्म के दौरान कोई परेशानी उनको हुई हो, या किसी तरह से जो मैंने चार तरह के जो बच्चे बताए हैं, इनको अगर हम स्टडी करें, इनके व्यवहार को कि किस प्रकार से समय के साथ साथ हाउ दीज स्टूडेंट्स दी चिल्ड्रन डेवलप्स एंड ग्रो एंड बिहेव
will that observations can add some important research input for the prediction. क्या हम भविष्यवाणी करने में उनकी मदद ले सकते हैं? Yes, science कहता है हमें ऐसे बच्चों पर study करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि जो schizophrenia की शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है। हालांकि विज्ञान आज तक ये जान नहीं पाया है कि schizophrenia का एग्जैक्ट कोज क्या है। तो ये कुछ ट्रेसेस थे, कुछ चिन्ह थे दैट कैन हेल्प द रिसर्चर्स इन कैरिंग आउट द फर्दर स्टडीज फॉर द फाइंडिंग आउट द ओरिजिन ऑफ द schizophrenia। schizophrenia की प्रकृति है उसके से मैं आपको परिचय करा। ये आप जानते हैं कि जितने भी psychiatric disorders होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर होता है तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, मनोविकलता होती है, क्योंकि कि सबसे पहला काम है व्यक्ति रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब व्यक्ति यथार्थ से ही अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं पाता है तो वो क्या व्यवहार करेगा। और ये बोलता है कि इट्स ए काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस क्लिनिकल सिंड्रोम। हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। इट्स ए काइंड ऑफ अ सिंड्रोम। ये लक्षण एक नहीं है, एक विकार नहीं, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। That's why it is known as a descriptive term. देखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्किज़ोफ्रेनिया। अगर चार या पांच व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है, उन पांचों के सिम्टम्स में जो उनकी तीव्रता होगी वो पांचों की अलग अलग मिले, और उन सिम्टम्स से या उस लक्षणों की तीव्रता से उस व्यक्ति के अंदर कितना संताप उत्पन्न होता है, डिस्ट्रेस उत्पन्न होता है, वो भी अलग अलग होगा। और याद करें, मैंने आपको बताया था कि हम सब यूनिक हैं और यही यूनिकनेस का परिणाम है। इसीलिए मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान विकार होते हैं उनको एग्जैक्ट डायग्नोस करना काफी कठिन होता है। मैंने आपको बताया है कोई भी साइंस, कोई भी रिसर्च अभी तक स्किज़ोफ्रेनिया का एग्जैक्ट कॉज नहीं बता पाई, और इसके जो सिम्टम्स हैं ये क्या करता है, शुरू शुरू में बहुत ही लो इंटेंसिटी के माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और वो इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, इतने सीवियर अंत में हो जाते हैं कि व्यक्ति जो है एक तरह से सामान्य जीवन जीने में नाकाम रहता है। कि पुरुषों में या लड़कों में उसकी जो फ्रेनिया की जो शुरुआत होती है वो एडोलेसेंस के दौरान होती है, और फीमेल में वो जो शुरुआत है वो जब एडल्टहुड की दहलीज पर जब कदम रखती है 19-20 साल के आसपास, तब उनके अंदर शुरुआत होती है। लेकिन कई बार रेयर केसेस में ये भी पाया गया कि लेट चाइल्डहुड, जब बच्चा 10 12 13 साल का होता है, उस समय भी ये शुरुआत हो सकती है, इसका नेचर ही ऐसा है। अब बात ये आती है कि जिस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया बचपन में हो जाता है, 11 साल 12 साल के आसपास हो जाता है, तो फिर ये सबसे डिसेबलिंग कंडीशन है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि 11-12 साल का ही वो समय है जब बच्चे का ट्रांजिशन पीरियड है, उसका बचपन बूढ़ा हो चुका होता है और किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख, और आप जानते हैं कि जब हम किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख रहे होते हैं उस समय हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंज आ रहे होते हैं, हम एक नए फेज में एंट्री कर रहे होते हैं। अगर उस एंट्री फेज से पहले अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की गंभीर बीमारी लग जाती है
तो सर्टेनली ये जो विकार है ये उसके फर्दर साइको फिजियोलॉजिकल मनोशारीरिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से दखलंदाजी करता है, क्योंकि उस बच्चे का रियलिटी से कनेक्शन कट जाता है। जब रियलिटी से उसका कनेक्शन कट जाएगा तो उसका जो विकास है वो भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा। दोनों प्रकार के विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या है? चिंतन प्रक्रिया, प्रोटेक्शन, मेमोरी, टेंशन, एवरीथिंग इज एडवर्सली। एक विकार पड़ा था फोबिया, दुर्भीति। उसमें क्या होता है, दुर्भीति में व्यक्ति ये जानता है कि ये जो मेरा डर है ये इरेशनल है, अतार्किक फियर है, वो जानता है बात को, फिर भी उसको डर लगता है, तभी तो फोबिया है। लेकिन स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है, वो व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता, उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि उसको परेशानी है या उसको किसी प्रकार का विकार है। कारण क्या होता है इसका, कि वो उसकी जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, ये जानने के लिए उसको किसका विकार है वो विकृत होता है, ड्यू टू डिस्टोर्टेड अवेयरनेस। इन दिस रेफरेंस आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट हियर दैट मनोविदलता आपकी जागरूकता के बारे में भी एक तरह से अड़चन डाल, और जब अवेयरनेस डिस्टोर्ट हो जाएगी तो आप और हम जिसको स्किजोफ्रेनिया है वो समझ ही नहीं पाएगा इसको वाकई में कोई बीमारी। अनोसोग्नोसिया बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू ब्रेन डैमेज, यानी कि जो आपका मस्तिष्क है उसमें किसी प्रकार का विकार होने से, चोट लगने से जो तंत्रिका की कमी हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है, उसको बोलते हैं अनोसोग्नोसिया, यानी कि अवेयरनेस कम हो जाती है। जब बच्चे में इसकी शुरुआत होती है, इसकी जो फ्रेन आएगी, शुरू शुरू में उसको जो सिम्टम दिखाई देते हैं कुछ दुश्चिंता के होते हैं, कुछ डिप्रेसिव स्टेट होती है, लेकिन वो बहुत सीवियर नहीं होते, माइल्ड होते हैं। यही तो कारण है कि इसको हम जल्दी से पकड़ नहीं पाते। शुरुआती दौर में लोग ये समझते हैं कि ये आम सिम्टम्स हैं, इसके कॉमन सिम्टम है, दुश्चिंता है, कोई एग्जाम के चक्कर में ऐसा बिहेव कर रहा होगा बच्चा, या कोई और उसको होगी हुई समस्या, ठीक हो जाएगी समय के साथ साथ। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये और सीवियर होता चला जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी दैट विल मेक द इंडिविजुअल डिसेबल, वो उसकी समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये लास्ट स्लाइड करेंगे आज के लिए। ये भी कमाल की बात है, जो स्किजोफ्रेनिया है वो चयनात्मक व्यवहार करता है, जनरल बिहेवियर नहीं करता है। किस बात में चयनात्मक व्यवहार करता है, कि वो दो प्रकार के सिम्टम दिखाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होते हैं जो उस व्यक्ति में है, और नेगेटिव होते हैं जो नहीं है, डेफिशिएंट है। तो जो नेगेटिव सिम्टम्स है उस व्यक्ति में, वो लंबे समय तक नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जबकि पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो जब जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं उम्र के साथ साथ, लेकिन नेगेटिव काफी लंबे समय तक, यहां तक जब तक व्यक्ति पंच तत्व विलीन नहीं हो जाता तब तक नेगेटिव सिम्टम्स बहुत बार उसके साथ रहते हैं। फिर अंदाजा हम लगा सकते हैं इस बात से ही कि जो नेगेटिव सिम्टम्स है दे आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मतलब मुख्य रूप से जो व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया की ओर ले जाने वाले कौन से सिम्टम्स है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, नेगेटिव सिम्टम की। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ। अब चाहे व्यक्ति महिला है या पुरुष है जिसको स्किजोफ्रेनिया हो गया है, उनके अंदर जीवन भर आत्महत्या की जो भावना है वो बनी रहती है, और आत्महत्या करने का रिस्क भी उनका बना रहता है, यानी कि दे आर मोर प्रोन टू सुसाइड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर किसी भी क्षण किसी भी समय दे कैन कमिट द सुसाइड, वेरी सिग्निफिकेंट नेचर ऑफ दिस स्किजोफ्रेनिया।
मतलब स्किजोफ्रेनिया वो एक तरह से मानसिक विकार है, जैसे नशा होता है ना, व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से स्किजोफ्रेनिया भी ऐसा है, एक बार लग जाने पर वो अपने सिम्टम्स और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है बार बार वो उस पर दिखाता रहता है। और जब रियलिटी से यथार्थ से व्यक्ति का कनेक्शन कट जाता है, थिंकिंग परसेप्शन भी सब डिस्टॉर्शन हो जाता है उसका, तो क्या होता है कि उसका जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है समाज के साथ, परिवार के साथ, अपने स्वयं के साथ, काफी मुश्किल हो जाता है। और उसके व्यवहार में भी काफी कुछ बदलाव आता है, और वो व्यवहार में बदलाव भी उसको आसानी से एडजस्ट नहीं होने देता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दी स्किजोफ्रेनिया फॉर टुडे। आज के लिए हमारा स्किजोफ्रेनिया के लिए इतना ही है। इसका जो सेकंड पार्ट है विल डू इट टुमारो। सो टिल द टाइम एनी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन एंड नोट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर ये स्किजोफ्रेनिया मतलब जेनेटिक्स हो सकता है क्या सर, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है सर कई बार? ये कॉजेज में हम आपको बताएंगे, यस इट कैन बी जेनेटिक। ये प्रश्न आएगा आपका कॉजेज में, तो दैट इज जेनेटिक इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द स्किजोफ्रेनिया। वो कॉजेज में जब लास्ट टॉपिक है हमारा, टाइप के बाद आएगा हमारा, ये आई थिंक टाइप के बाद ही है, हाँ इसके बाद आएगा नेचर के बाद है टाइप, और टाइप के बाद आएगा हमारा कॉजेज, तो कॉजेज में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और नोट्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल है ब्लॉगर पर, यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट नोट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। लेकिन कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज तब तक के लिए बाय बाय।